भारतीय संगठन की संरक्षक जस्टिस प्रवाल जी, हिंदी संगठन की प्रधान श्री सुरेश रामगोयल जी, होम सेक्रेटरी श्री देवी जी, यहाँ पर आए हुए सभी हिंदी प्रेमियों, शिक्षा धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा सभागार में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमन। हिंदी की दिवस के अवसर पर इस भव्य समारोह में भाग लेना मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। हिंदी दिवस हमें हिंदी की अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में विचार करने के विशेष अवसर प्रदान करता है। इतिहास साक्षी है कि अनेक बाधाओं के बावजूद हिंदी बैंका से निकलकर आज विश्वविद्यालय तक का रास्ता तय करने में सफल रही है। रमागति देही सुमति से लेकर पीएचडी तक की यात्रा हमारे पूर्वजों, शिक्षा संस्थाओं, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं तथा आप जैसे हिंदी प्रेमियों की अथक मेहनत से ही संभव हो पाया है। हमारे दूरदर्शी, त्यागी एवं संकल्पी बाप पूर्वजों तक हिंदी की रक्षक बनकर सामने आए। उनके प्रकार से ही आज हिंदी सफलता और विकास के शिखर पर है। आज हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। मॉरिशस में भी हिंदी शिक्षा, मनोरंजन, फिल्मी दुनिया, विद्या, सत्संग, पूजा पाठ आदि सब जगह चाहिए है। वह न केवल विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है बल्कि भारतीय संस्कृति की वाहिका भी है। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह भी सत्य है कि आत्मा अमर है। इसी अमरता को बनाने रखना हमारे कर्तव्य भी है। आपको तो पता ही है कि आत्मा के बिना शरीर की क्या दशा होती है। हमारी सरकार और विशेषकर शिक्षा मंत्रालय अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी की प्रचार प्रसार में कई सुविधाएं दे रही है। आज प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक हिंदी को वही मान्यता प्राप्त है जो मान्यता किसी अन्य विषय को प्राप्त है। सायंकालीन और साप्ताहिक स्कूलों में यानी कि इवनिंग स्कूल्स में हिंदी की पढ़ाई को लेकर शिक्षा मंत्रालय हर साल करोड़ों रुपए निवेश करता है। इतना ही नहीं, HSC की परीक्षा में प्रथम आए हिंदी छात्रों को भारतीय उच्चारण के सहयोग से कई छात्र वृत्तियां दी जाती है। हिंदी को लेकर मॉरिशस को पूरे विश्व में सदृश्य बनाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर विश्व हिंदी सचिवालय वर्ल्ड हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। आप सबों को तो पता है कि 2018 में मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन लगा था। इसमें दुनिया भर के हिंदी विद्वान एवं महान लोग आए थे जिनमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का नाम अग्रणीय रहा। इन गतिविधियों के द्वारा हम हर प्रकार से हिंदी को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी संगठन यानी कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन हिंदी को बढ़ावा देने में लगा है। अगर हर हिंदी प्रेमी, हर संस्था, हर संगठन एक एक कदम बढ़ाएगा तो मेरा विश्वास है कि हिंदी और बहुत आगे जाएगा। हमें भी नहीं भूलना है चाहिए कि हिंदी ने हमें प्रेमचंद, अभिमन्यु अनंत जैसे कई महान
रचना का दी है। बदले में हमारे कर्तव्य बनता है कि हम भी हिंदी की प्रचार प्रसार में विशेष सहयोग दें। अब जब विश्व हिंदी सचिवालय और हिंदी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस में दोनों ही शामिल है, तो हमारे ये लक्ष्य होनी चाहिए कि नई पीढ़ी की युवक हिंदी भाषा में रुचि रखें। ये हम कैसे करें? विश्व हिंदी सचिवालय और हिंदी स्पीकिंग यूनियन नए तरीके से उनकी रुचि बनाना चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रम रखें जो हिंदी की ओर उन्हें खींचे। ड्रामा, क्लिप्स, फिल्म्स बनाए जिनमें वो भाग ले सके और हिंदी सीखने की मजा ले सके। आज उन लोगों और संस्थाओं को सम्मानित करने का अवसर दिया है जिन्होंने हिंदी की सेवा की और हिंदी जगत के रक्षक बने रहे। प्रेम, सादगी, एकता, कला, आदर और मूल्यों की इस भाषा का साथ देने का केवल हमारे धर्म है बल्कि हमारे स्वभाव भी है। मेरी यही कामना है कि हिंदी के प्रति आपकी निष्ठा कभी कम न हो और हिंदी की सुखद भविष्य के लिए आप सदा शिव संकल्प रहें। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और आपके धन्यवाद के लिए आपकी ध्यान के लिए धन्यवाद। से अनुरोध है कि थोड़ा सा पढ़ाइए वेबसाइट का विमोचन किया जाएगा। हाँ, वहाँ से आशीष राम जीवन जो है आप कृपा करके सहायता कीजिएगा। एक समय था जब हिंदी में तकनीक या टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की कोई संभावना नहीं थी। आज हिंदी के माध्यम से हिंदी हर क्षेत्र में उपस्थित है, जहाँ जहाँ आप सोच सकते हैं, जैसे कहते हैं जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और वहाँ वहाँ हिंदी पहुँच रही है। कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आज इस वेबसाइट का विमोचन किया गया। शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, आपके इस भाषण के लिए और हिंदी को हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और